दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम ये सीरीज चला रहे हैं एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और यहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ अमरावती डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी प्रवीण ठाकरे सर, इनके साथ में, और इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये कोर्ट पहले था, आज है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस कोर्ट के बारे में है। तो प्रवीण सर, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय दिया इस चीज़ के लिए। थैंक यू। तो मैं ये आपको पूछना चाहूँगा कि इस कोर्ट के कुछ हिस्ट्री के बारे में हमें बताइए। अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक करीबन 125 साल पुरानी इसकी स्थापना है, और इसका बहुत अच्छा सुवर्ण एक इतिहास है। यहाँ पर पहले ये जो कोर्ट आप जो अभी नई इमारत देख रहे हैं, इसकी जगह पुरानी इमारत थी, वहाँ पर ये अभी शुरुआत हुई है इसकी। पुराने बार में बार की ऐसी परंपरा है हमारी अमरावती की, यहाँ पर बहुत सारे नॉमिनेंट प्रोमिनेंट लॉयर्स निर्माण हुए हैं, वही हमारा इतिहास है। इसके अलावा अमरावती बार से बहुत सारे विद्वान, हाई कोर्ट जस्टिस, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भी एलिवेट हुए हैं, और इसी परंपरा को आगे रखते हुए जो लोग यहाँ पर सीनियर लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं सिविल साइड में, क्रिमिनल साइड में, उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे अमरावती कोर्ट से, जहाँ तक कि मुझे याद है कि एडवोकेट नाना साहेब बोंडे से लेके तो आज तक, आज की तारीख तक बहुत सारे अमरावती कोर्ट में ऐसे सीनियर लॉयर्स है कि ना ही जिनका अमरावती में, पूरे महाराष्ट्र में उनका वकीली की व्यवसाय में एक बड़ा नाम है। ऐसी परंपरा को लेके तो यहाँ पर अभी जो दिवंगत सदस्य है हमारे बार के, जैसे देशपांडे साहब थे, एक विजयराव देशपांडे साहब थे, उसके बाद में अप्पा साहेब कुलकर्णी थे, पी एन राठी सर थे, स्वर्गीय एज्जड़ पाटिल सर थे, तो इन लोगों ने, और इनके जैसे बहुत सारे वकीलों के नाम है जो सीनियर्स थे, और इनका पूरे महाराष्ट्र के वकील क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था। इसी परंपरा में लेके आगे चल के आज के तारीख में हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे ऐसे नॉमिनेंट प्रोमिनेंट एडवोकेट्स है जो कि महाराष्ट्र लेवल पर या फिर इंडिया लेवल पर जाने जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर अभी सिविल साइड में हमारे एडवोकेट शेर के सर है, एडवोकेट ए एम जैन है, एडवोकेट सारडा जी है, एडवोकेट के एच देशपांडे है, तो ये और ऐसे इसी श्रृंखला में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा क्रिमिनल साइड में एक एडवोकेट मिर्जा सर है, एडवोकेट सरजेराव जी घुरडे है, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे है, एडवोकेट नवलानी जी है, एडवोकेट प्रशांत भेलांडे जी है, एडवोकेट वैष्णव है, ऐसे बहुत सारे वकील है जिनकी परंपरा में हमें कुछ ज्ञान मिला है, एक संस्कृति मिली है। और अमरावती कोर्ट की ऐसा इतिहास है कि यहाँ पर हमारे बार मेंबर में से या फिर अमरावती कोर्ट से जो नियरेस्ट रिलेशन उनका है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से हाई कोर्ट में जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस करके नियुक्त हुए हैं। उनमें से मैं एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण जी गवई का नाम लेना चाहूँगा, जो अमरावती के है, अमरावती बार से संबंधित है, और अमरावती के बार के सभी वकील वर्गों से उनका एकदम घनिष्ठ रिलेशन है, और हमारे वकीलों की समस्या, वकील संघ की समस्या जो कुछ भी रहे उसमें वो हमें सहयोग हमेशा करते आए हैं, जब हाईकोर्ट जस्टिस थे तब भी और अभी भी। उसी श्रृंखला में जो हाईकोर्ट जस्टिस हमारे अमरावती से रिलेटेड है, उनमें जस्टिस शुक्रे सर, जस्टिस वी एम देशपांडे, जस्टिस किलोर सर अभी जो नवनियुक्त हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आचलिया जस्टिस आचलिया जी है, और ये जोशी सर है, न्यायमूर्ति जोशी सर, तो ऐसे बहुत सारे लोग अमरावती बार से संबंधित होके हाईकोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, और हमारी
ये परंपरा के अनुसार अभी और यहाँ पर न्याय व्यवस्था में काम करने वाले वकीलों की पद्धति या फिर उनका ग्रेड इस तरह है कि भविष्य में और कुछ लोग हाईकोर्ट जस्टिस के तौर पर हो सकते जुडिशरी में जा सकते हैं। लोअर जुडिशरी में हमारे बार से बहुत सारे वकील लोग JMFC DJ या डिस्ट्रिक्ट जज ऐसे तौर पर नियुक्त हुए हैं। सर बार की आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अमरावती जिला न्यायालय की अभी स्ट्रेंथ करीबन 1700 है, उसमें रेगुलर प्रैक्टिशनर 600-700 लोग है। सर बार रूम्स यहाँ पे कितने हैं और लेडीज के लिए कोई अलग बार रूम वगैरह है क्या? अमरावती जिला न्यायालय की ये जो नई इमारत है इसमें करीबन 7 बड़े बड़े हॉल बार रूम के तौर पर है, उसमें हर एक का एक चेम्बर्स है। वैसे ही लेडी लॉयर्स के लिए अलग से लेडी बार है, उनकी व्यवस्था अलग से है। और यहाँ पे लाइब्रेरी कैसी है सर? हमारी लाइब्रेरी बहुत पुरानी है और वो नीचे जो पुराना बार था वहाँ पर अभी स्थापित है। अच्छा सर, अभी ये जैसे आपने सर कहा कि 125 ईयर्स ओल्ड लगभग ये कोर्ट है आपका, तो इसका कोई पब्लिश्ड या प्रिंटेड कोई लिटरेचर वगैरह है? एक सोवेनियर है और उसके बाद हमारी एक लॉ डायरेक्टरी है, उसमें सभी वकील लोगों का नंबर एड्रेस वो कवरेज हुआ है। अच्छा। और उसमें सभी लोगों की पूरे पुराने से लेके तो आज तक के रजिस्टर्ड हुए सभी मेंबर्स का सभी कुछ डाटा उसमें अवेलेबल है। सर ये कुछ ये ड्रॉप बॉक्स रिसीव कॉन्सेप्ट में कुछ पढ़ा था जब आई वॉज रीडिंग द साइट, तो ये कुछ क्या कॉन्सेप्ट है ये ड्रॉप बॉक्स रिसीव कॉन्सेप्ट, कुछ है ऐसा इस तरह का? जहाँ तक के मेरी जानकारी थी ड्रॉप बॉक्स रिसिप्ट उस कोविड पीरियड का जो जिक्र है होता है। वहाँ में वहाँ पर जो डायरेक्ट कांटेक्ट न हो यानी कोर्ट एम्प्लॉय से या फिर जुडिशियरी से वकीलों का, तो उसमें कुछ केसेस जैसे ड्रॉप बॉक्स में डाली जाती थी। आफ्टर 48 आवर्स वो जुडिशियरी की जो कुछ भी एम्प्लॉय है उसको हाथ लगा देते, यानी वो कोविड का ट्रांसमिशन ना हो वायरस का। इसलिए वो एक सुविधा वो कोविड पीरियड में हुई थी। ओके सर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोर्ट्स कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्ट्स तो एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके बाद में 6 डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके बाद में 13 सिविल जज सीनियर डिवीजन है, JMFC कोर्ट है 17, उसके सिवा यहाँ पर एक फैमिली कोर्ट है। एडिशनल फैमिली कोर्ट की हमारी डिमांड है। और एडहॉक 3 कोर्ट है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एज अ मेंबर करके वो काम करते हैं, इंक्लूडिंग सेशन कोर्ट के सिवा। उसके बाद में यहाँ पर लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल कोर्ट है, कोऑपरेटिव कोर्ट है, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम है। और स्टेट फोरम का बेंच अमरावती में है लेकिन उसकी सीटिंग रेगुलर नहीं है। जॉइंट चैरिटी कमिश्नर भी यहाँ है। सर यहाँ पे इस कोर्ट को कितने तालुका का ज्यूरिसडिक्शन है? इस कोर्ट को यहाँ पर अमरावती डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जैसे अमरावती, इसके सिवा अचलपुर, तो अचलपुर में 4-5 तालुक का कवर होते हैं। उसके रेस्ट ऑफ द तालुक का जो है जैसे धामनगांव, नांदगांव, चांदूर रेलवे, मुर्शी, वरुड और अमरावती, तो भातकुली, ये करीबन 9 तालुक का अमरावती के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। सर यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है बार एसोसिएशन के लिए? कल्चरल प्रोग्राम कहो या बरस में ऐसे कुछ फिक्स प्रोग्राम क्या क्या होते हैं यहाँ? कल्चरल प्रोग्राम अभी फिलहाल है 1.5 सालों में, कोविड के कारण कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके पहले हमारी परंपरा थी कि हर साल हम एक एनुअल गैदरिंग वकील लोगों का लेते थे। हम करीबन हर साल 1-2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम करते हैं रेगुलरली। उसके सिवाय हम जूनियर्स वकीलों के लिए एक लीगल एड सीरीज रखते हैं डॉक्टर DR सिन्हा मेमोरी में, तो उसके लिए सीनियर लॉयर्स से कोई अलग अलग टॉपिक पर लेक्चर होता है, उसमें लॉ कॉलेज के स्टूडेंट
या अमरावती जिला कोर्ट के जूनियर लॉयर्स उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। ओके सर, जैसे अभी आपने ऑलरेडी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक कितना हुआ है यहाँ पे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ड्यूरिंग पैंडेमिक हुई थी, लेकिन उसका वो जो डीलिंक होता था नेटवर्क नहीं होता था या फिर ऐसे टेक्निकल कारण से कुछ तौर पर हुई, एक 5-10% इसको सक्सेस बोल सकते हैं, एवरेजली वो कोई सक्सेस नहीं था। ओके सर, यहाँ पे ई फाइलिंग चालू हुआ है? यस, ई फाइलिंग यहाँ पर कोविड पीरियड में भी था, अभी थोड़ा सा ई फाइलिंग नहीं कर रहे हैं लोग क्योंकि फिजिकल चालू हो गया तो, लेकिन ई फाइलिंग हुआ, ई फाइलिंग में हीरिंग हुआ, आर्ग्यूमेंट हुए, और वो टाइम में रिटर्न नोट्स की सुविधा थी तो रिटर्न नोट्स मैक्सिमम हुआ, बाकी ई वीडियो से आर्ग्यूमेंट भी बहुत सारे लोगों ने किया है। सर, जब भी आप पैंडेमिक के रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हो तो वो कभी क्या ईमेल पे दे सकते थे? यस यस, ईमेल पे भी देते थे, और वो जो आपने अभी पहले पूछा था वो ड्रॉप बॉक्स में भी डालते थे। ओके ओके सर, अभी आफ्टर अभी ये थोड़ा रिलैक्सेशन अनलॉक वगैरह हुआ है तो कंपेयर टू प्रायर टू कोविड जो हमारी वकील मंडलियों की संख्या थी आने की, और अभी ये अनलॉक वगैरह मतलब अभी पूरा तो गया नहीं है, स्टिल इट इज प्लस माइनस, तो उस संख्या में कुछ घटोतरी हुई है? बिल्कुल, ये क्या बिल्कुल है? बिल्कुल हुई है। कोविड कारण में कुछ वकीलों ने यहाँ तक की है कि अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यहाँ तक दिक्कतें वकीलों को आई थी, खास करके जूनियर लॉयर्स को, और फाइनेंशियल एकदम कंडीशन खराब हो गई थी। उसके लिए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ने थोड़ी सी हमें मदद की थी उन लोग वकीलों को, लेकिन आज भी वो ट्रैक पर वो वकीली व्यवसाय नहीं आया है जो कोविड के पहले था। सर, इन जनरल बार और बेंच के रिलेशंस कैसे हैं? बार और बेंच के रिलेशन हमारे यहाँ अच्छे हैं, क्योंकि हमारे में से ही बहुत सारे लोग हाईकोर्ट जस्टिस हुए हैं, या हमारा जैसा ताल्लुकात हाईकोर्ट जस्टिस से ज़्यादा रहता है तो डिस्ट्रिक्ट जजेस भी हमसे रिलेशन अच्छे लगते हैं, रखते हैं। ओके, और सर अभी जब कभी कभी कंफ्लिक्ट आता है कोई एक आधे प्रॉब्लम में, तो हम लोग थोड़ा सीनियर लोगों से मशवरा करके उनसी उनकी और जुडिशियरी की कुछ मीटिंग अरेंज करके वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए हैं? जब कोर्ट खुला हमारा तो किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स यानी हमने जगह जगह पर ये फ्लैक्स बैनर्स लगाए हैं कि वकील लोग या फिर क्लाइंट्स उनका अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, मास्क लगा कर रहे, और सैनिटाइजर की मशीना हमने बार रूम में या कोर्ट के एंट्रेंस पर ऐसी 2-3 जगह लगाई है कि लोग अपने हाथ बार बार वो सैनिटाइज करते रहे और अपनी सुरक्षा करते रहे। ओके प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी जानकारी और इन्फॉर्मेशन हमें दी, और जिस तरह से आपने कहा है इट इज़ क्लियरली गोज टू शो कि कितने सारे मतलब जुडिशरी के मेंबर्स आपके बार के यहाँ से गए हुए हैं, और इंक्लूडिंग JMFC भी जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने आपका समय दिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।